अरे यार ये क्या है यार, एक एक बार यहाँ के देखो क्या क्या करता है यार। रेटिंग को क्या कर दिया इसने यार? मेरे को अलग गुस्सा आने लग गई। देखियो देखना, एक चप्पल यहाँ दबा लेता है, एक यहाँ दबा लेता है। अरे मैं कंफर्ट के लिए दबा रखी यार। आपको पता है कई बार मैं सुबह उठती हूँ चप्पल नहीं मिलती यार, मेरे को बेड के नीचे घुसी रहती। कौन करेगा ये? तेरे को पता है चप्पल क्यों क्यों अपने नीचे दबा के सोता है? ताकि तब जब भी तो उठ के जाए ना तो चप्पल जरूरी होती है, तो इसको पता लग जाता है कि अब उठ के जाएगा और चप्पल लेगा। आप इसको सपोर्ट मत करो, ये कई बार लात मार मार के मेरी चप्पल बेड के नीचे कर देता है। क्या लॉजिक है यार? मैं बहुत दुखी हो गई। नींदों में आना इसको पता ही नहीं लगता, तो गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। ये मैं नहीं मानती, इम्मी चप्पल निकाल के दो, या तो इसको समझा लो टिंगू को कि ये सारी हरकतें दोबारा नहीं करेगा यहाँ पे। टिंगू समझ गया मैं। देखियो मुंह के नीचे अगली बार है ना चप्पल ऐसे नीचे दबा के बैठिए। तभी नहीं है अपने ना ऐसे नीचे दबा के बैठना, चप्पल को दिखे ही ना। आपको मजाक सूझ है? मजाक नहीं होता यार, चप्पल नहीं लेता वो, निकालना चप्पल निकाल के तुम्हें चप्पल। मैं दुखी हो गई, मैं बहुत दुखी हो गई। या तो इसका यहाँ बैठना बंद करो, मेरी साइड इसको वहाँ बैठाया करो, मैं बस बैठेगा ये। मैं अगर निकालने गया ना तो मेरे को काट लगा, मेरे से नाराज है। मैं इसको घुमा के नहीं लेके आना तो मेरे से नाराज है। बस कब से बोले जा रूटिंग को साइड हट जा, टिंग को साइड हट जा, हट ही नहीं रहा है बिल्कुल। नहीं हटेगा, ये इसका नेचर है, ये अपनी मर्जी से हटता है, अपनी मर्जी से लेटता है जहाँ भी है। टिंगू टिंगू ओए टिंगू टिंगू प्लीज चप्पल दे मेरी। देखियो क्या है इस चप्पल में। चल टिंगू अपना खाना खा ले, उठ फटाफट आ जा। तो ये है टिंगू की डाइट, रोटी और दही, इसके बिना ये खाना खाता नहीं है अभी। और इसको गर्मी की वजह से सिर्फ दही और लस्सी और रोटी, इसके अलावा भी कोई एक्स्ट्रा डाइट हम नहीं दे रहे हैं। जैसे गर्मी ख़त्म हो जाएंगी इसके बाद इसकी एक्स्ट्रा डाइट शुरू कर देंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और वेलकम बैक इन न्यू ब्लॉग। उम्मीद करेंगे आप सब लोग अपने घर पे बढ़िया होंगे, अपने शहर में, अपनी सिटी में मज़े कर रहे होंगे, क्योंकि लॉकडाउन खुल चुका है और पूरी मार्केट खुली हुई है। मैं अभी बाहर आया था, मैं देख रहा हूँ कि सारी शॉप्स लाइन में सब की सब खुली हुई हैं। और ये जो मेरे गाड़ी का जो फ़ोन होल्डर है वो लूज़ हो गया है, बार बार फ़ोन टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अब इसको घर जाके दोबारा से एक बार मैं फिर से सेट करूँगा। अभी मैंने सेट किया था और हुआ नहीं, पता नहीं इसमें क्या दिक्कत है यार। ऐसा है ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये इतने पैसे ले लेते हैं और उसके बाद भी जो आइटम मिलता है ना वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता। चलो कोई नहीं, लाइफ में एक्सपीरियंस करते रहना ज़रूरी है। और जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं मैं यही बोलूँगा कि भाई थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलें, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मास्क उतार दिए हैं। आप भी वीडियो में देख रहे होंगे मैंने मास्क उतार रखा है। मैंने मास्क इसलिए हटाया हुआ है क्योंकि मैं गाड़ी में अभी अकेला बैठा हूँ, तो मैंने मास्क हटा दिया है। अदरवाइज़ ये मेरा मास्क मैं अपने साथ लेके घूम रहा हूँ, और मैं अगर बाई चांस गाड़ी से नीचे उतरता हूँ तो मैं इस मास्क को वापस लगा लूँगा। और वैसे तो मैं उतरूँगा नहीं, मैं सीधा घर जाऊँगा, मेरे को भूख लगी हुई है बहुत ज़बरदस्त। सबसे पहले जाके ब्रेकफास्ट करेंगे अपना, तो एक बार चलते हैं घर की तरफ फिर आगे। घर के पास में बिल्कुल सब्जी मंडी है और अभी मैं वहाँ से निकला हूँ, और चारों तरफ है ना आम ही आम है। जिसके पास देखो वो ये आम लेके बैठा हुआ है। और मैं जब भी आम खाता हूँ ना तो फेस के ऊपर है ना, फेस पे या बॉडी पे कहीं भी है ना, पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं। तो अपनी तो किस्मत में आम खाना है ही नहीं, तो मैं सिर्फ देख देख के काम चला लेता हूँ और बस अपने दिल को तसल्ली दे देता हूँ। बस मैं अभी जस्ट घर पहुँचने वाला हूँ, अभी मुझे आम दिखे तो मैंने आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताया। अभी क्या करें, कभी कभी हो जाता है किसी किसी के साथ। जैसे मैंने लास्ट ईयर आम खाए तो लास्ट ईयर ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इस साल मैंने खाए तो फिर से वही शुरू हो गया, तो मैंने वापस बंद कर दिया।
गाइस, तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, एग्जैक्टली 2 पोस्ट लंच का टाइम है ये. और आई नो बहुत ही गर्मी है, गर्मी का मौसम है, हम भी मतलब घर से निकले और गाड़ी में बिल्कुल बॉयल हो रहे हैं हम लोग बहुत ज़्यादा. और हम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं मैं आपको बताती हूँ. हमें एक चीज़ पता चली जो शादी में हम जा रहे थे, पहले हमें पता था बहुत ही शॉर्ट फंक्शन है अगले महीना, तो अभी हमें पता चल रहा है कि एक एंगेजमेंट का फंक्शन और या प्लानिंग, तो इसीलिए मेरे लिए एक और ड्रेस लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं आज. तो फिर से एक और शॉपिंग होने जा रही है लड़कियों की, तो हम आपको दिखाते हैं हम कैसे कैसे जाएंगे और हम वहाँ पे जाके क्या लेंगे, वो मैं आपको वहाँ पहुँच के दिखाती हूँ. हमारा प्लान हो गया थोड़ा सा चौपट, क्योंकि हम लोग लंच में आए थे ये सोच के कि हम नहीं सोएंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि अगर हम सो रहे हैं तो दुनिया ना सोए. यहाँ पे सब सोने के लिए अपने लंच ब्रेक पे गए हैं. असल में जिस दुकान पे पहले दिखा हुआ था वहीं आए थे लेने, वो दुकान बंद अभी बंद है यार, अपना वो कर रखा है लंच टाइम का लंच ब्रेक. तो हम यही करेंगे फिर शाम को दोबारा से आएंगे, या फिर एक बार आइडिया है या देखते हैं कि दूसरी शॉप पे जाके देखते हैं जिससे पहले लिया था पता पसंद आ जाए उससे. तो हाँ ये यहाँ पे W वाला स्टोर है ना, एक बार इसमें भी देख लेते हैं कि अब तक कुछ हो ही नहीं. चलो तो अभी दूसरी दुकान पे हम जाते हुए, ज्यादा दूर नहीं सामने ही है. तो अभी हम भिवानी की दूसरी मार्केट में आए हैं, ये आपने हमेशा शाम को देखी है, आज हम इसको दिन में दिखा देते हैं, ये देखो. और अभी हम चलते हैं आगे. ये कौन सा है? मैं तो सोचा राजमा लिख रखा है, ये तो रंजना. तो अभी प्लान कर रहे हैं इस शॉप में जाने का, ये सामने है, देखते हैं इसके अंदर जाके. तो मैंने अपना सेकंड ड्रेस यहाँ से ले चुका है और मैं खरीद चुकी हूँ, जो जिसका मैं हॉल जो वीडियो करूँगी वो करूँगी मैं अभी नहीं, अब से 4 या 5 दिन के बाद. तो ये ड्रेस आपको दिखेगी 4 या 5 दिन के बाद, फाइनली मेरी सेलेक्ट हो चुकी है. थैंक यू. So, शक्ल देख के ही आपको लग रहा होगा क्या खुशी हुई है इस इंसान को. यार एक्चुअली बात ऐसी है, सभ्यता मेरा फेवरेट स्टोर है और मुझे जाते ही बहुत अच्छा पीस मिल गया है, बहुत ही सुंदर है. अगर आपको मेरा जितने भी मैंने वेडिंग ड्रेसेस की शॉपिंग की है, अगर आपको सब देखना है तो मैं आपको अपने फाइनल लुक के साथ दिखाऊंगी. अभी दिखाऊंगी कोई मज़ा नहीं आएगा, जिस दिन मैं उन्हें पहनूंगी प्रॉपर रेडी होकर तभी देखने में मज़ा आएगा, तभी देखना. और तब तक के लिए आपको हमारे सारे व्लॉग्स देखने पड़ेंगे, हो सकता है वो लुक मेरा कोई भी दिन रिवील हो सकता है, तो उसके लिए पूरे व्लॉग्स देखने पड़ेंगे आपको, है ना, उस दिन तक लगातार. हाँ हाँ बिल्कुल. तो नेक्स्ट प्लान क्या है अभी? तो अभी नेक्स्ट प्लान हम बता देते हैं, हम जा रहे हैं अभी वापस घर, 3 बज चुके हैं, 1 घंटा आपको देखना और चिनार. हे गाइस, आज हम लोग शॉपिंग करके आए थे 4 बजे, उसके बाद हम लोग सो गए थे, सोने के बाद हम लोग 7 बजे उठे और 7 बजे उठने के बाद हमने कॉफ़ी वॉफ़ी पी, खाना वाना खाया, उसके बाद यू वोंट बिलीव बट हम लोग फिर से रात को 9:30 बजे सोने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा नींद, तो आज हमारी कई दिन से नींद डिस्टर्ब थी, आज हम उसको पूरा करेंगे. सो वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, हम आपसे मिलेंगे कल सुबह. बट आज का व्लॉग थोड़ा छोटा होगा, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू शेयर विद योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स. एंड आई होप आप सभी लोग भी ठीक होंगे, बहुत सारा रेस्ट करिए, आज मेरे सर में थोड़ा दर्द है तो आज कुछ ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं हो पाएगी, नहीं तो इसको ख़त्म कर देते हैं. प्लीज़ लाइक.